सलाम मेरे अजीज दोस्तों, स्वागत तो करो हमारा। तो आज मैं बात करने वाली हूँ एस्ट्रॉइड 1998 ओआर2 के बारे में, जो कि 29 अप्रैल 2020 को दुनिया के करीब से गुजरने वाला है। और मैं साथ साथ तुम लोगों को ये बता दूँ कि एस्ट्रॉइड होते क्या हैं। एस्ट्रॉइड एक्चुअली तबाह हुए वे सितारों की बाकियात होती हैं जो कि स्पेस में सफ़र करते रहते हैं, और इस तरह के बहुत से छोटे छोटे एस्ट्रॉइड जो हैं ज़मीन से टकराते रहते हैं, लेकिन उससे ज़मीन को कोई नुकसान नहीं होता। रिसेंटली नासा की रिपोर्ट के मुताबिक एस्ट्रॉइड 1998 ओआर2 ज़मीन से 3.9 मिलियन के फासले से गुजरेगा। 3.9 मिलियन माइल्स हो जाते हैं तकरीबन 40 लाख किलोमीटर के फासले से, और चांद हमारी ज़मीन से 384,000 दूरी के फासले पे मौजूद है। इसका मतलब ये हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बिल्कुल सेफ़ हैं। लेकिन सलाम है हमारे सोशल मीडिया यूज़र्स को, यानी कि उन्होंने ऐसा कर दिया है कि यह एस्ट्रॉइड हमें ज़मीन से टकरा गया और वो बिल्कुल फटने ही वाला है। नहीं, मैं सोशल मीडिया वालों से कुछ पूछना चाहती हूँ। पूछ लूँ क्या? नहीं। तो बताओ, मैंने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी और मुंह पे मेरी बेइज्जती हो गई। वकार भाई, आप क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में? औकात तो कुछ है ही नहीं। खैर, मैं तुम लोगों को साथ साथ ये भी बताती चलूं कि एस्ट्रॉइड 1998 ओआर2 को 1998 को डिस्कवर किया गया था। इसका डायमीटर 4.1 किलोमीटर है और स्पीड 13,000 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से है। इंसान ने तेज तरीन जो एयरक्राफ्ट बनाया है उसकी स्पीड है 1,000 किलोमीटर पर आवर। तो इसके हिसाब से अगर आप देखें, ये एस्ट्रॉइड अल्लाह फॉरबिड, अगर अल्लाह ना करे, ज़मीन से टकराता है तो बिल्कुल हॉलीवुड मूवीज़ की तरह ज़मीन तबाह हो सकती है। सोशल मीडिया वालों, खुदा दा वास्ता है, तो अनु वैसे ही कोरोना वायरस की वजह से सब परेशान है, उनको और परेशान ना करो, क्योंकि सबसे ज़्यादा फापा कुटनी का रोल जो है ना, हमारे सोशल मीडिया वाले ही अदा करते हैं। जाते जाते तुम लोगों के नॉलेज में थोड़ा और इजाफा कर देती हूँ कि अब तक सबसे बड़ा जो एस्ट्रॉइड ज़मीन से टकराया था वो 13 अगस्त 2006 को गिरा था, और जो कि 9 फुट चौड़ा और 9 फुट लंबा था, और इसका वज़न 66 टन था। तो कैसी लगी तुम लोगों को आज की मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो? पसंद आने की सूरत में अपने अड़ोस पड़ोस, अजीज़ रिश्तेदारों, दोस्तों दुश्मनों, सब के साथ शेयर ज़रूर करना। और जो अब भी लाइक करने और शेयर करने से डर रहे हैं ना, उनके लिए तो बस यही कहूँगी। लाइक वीडियो, कमेंट वीडियो, शेयर वीडियो। तो मैं मिलती हूँ तुम लोगों से नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।